लगातार 35 दिन फरार होने तो बाद 36वें दिन अमृतपाल गिरफ्तार होया। बीते दिन तड़क सवेर 6:45 ते पुलिस ने कार्रवाई की थी ते मोगा दे पिंड रोटे तो अमृतपाल नू गिरफ्तार किया गया। पूरी गिरफ्तारी तो बाद जो ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन अमृतपाल दा गिरफ्तार ऑपरेशन, उसनू मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई दे विच पूरा किया गया। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सख्त कार्रवाई, सख्त कार्रवाई कारण ऑपरेशन अमृतपाल रहा सफल। मुख्यमंत्री मान की दहशतगर्दा नू दो टुक, शांति भंग करने वालियां दी पंजाब विच नहीं है कोई थां। वारिस पंजाब जत्थेबंदी दे मुखी अते खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह नू कल सवेरे पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमृतपाल सिंह पिछले लगभग 36 दिनां तों फरार सी। अमृतपाल सिंह दे साथी पप्पलप्रीत सिंह अते होरना कई साथियां नू पंजाब पुलिस पहलां ही गिरफ्तार कर चुकी सी। अमृतपाल सिंह नू कल सवेरे करीब 6:45 ते गिरफ्तार किया गया। इस सांझा ऑपरेशन अमृतसर पुलिस अते पंजाब पुलिस दे इंटेलिजेंस विंग ने किया। अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब विच मौजूद सी। पंजाब पुलिस वालों गुरुद्वारा साहब की घेराबंदी की गई, पर कोई भी पुलिस मुलाजम गुरुद्वारा साहब के अंदर दाखिल नहीं होया। असी उन्हें अरेस्ट किया है, सारे पासे तो जो घिर गया सीगा, उस तो बाद दे विच गिरफ्तार किया गया है। अंदर की होया की क्या गया उहदे बारे च टिप्पणी करना वाजिब नहीं है, बट जिस तरीके नाल इस पूरे ऑपरेशन नू प्लान किया गया सीगा, जिस तरीके दे कंक्रीट इनपुट सीगे, जिस तरीके दे नाल विलेज नू सराउंड कर लिया गया सीगा, क्योंकि सेंटिटी मेनटेन करना सब तो इंपोर्टेंट सीगा गुरद्वारा साहब जी, उहदे अंदर पुलिस किसी भी तरीके दे नाल यूनिफॉर्म दे विच एंटर नहीं कर सकती सीगी। सो जदों सारे पासे तो घिर गया, जदों पता लग गया, तो दैन जिहड़ी अरैसट आ उह पॉसिबल। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी अपने आप विच पंजाब सरकार लई एक वड्डी कामयाबी है। इस पूरे ऑपरेशन की सब तो खास गल ए रही कि यह सारा ऑपरेशन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की देखरेख विच कीता गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान नू कार्रवाई तो पहला वाली रात तो ही इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी सी, अते पूरी रात जा के इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी उन्हां वल्लों लई जा रही सी। अते ऑपरेशन नू मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बेहद गंभीरता दे नाल लिया। इस गल का खास ख्याल रखा गया कि पंजाब का माहौल किसी भी तरीके दे नाल खराब ना होवे, गिरफ्तारी दे समय किसी भी तरह की हिंसा ना होवे। इस गल का भी खास ख्याल रखा गया कि पिछली बार दे वांग इस बार भी जिस तरह अजनाला विखे गुरु साहब की पालकी नू ढाल बनाया गया सी, उस तरह कुछ भी ना वापरे। अमृतपाल सिंह 35 दिन हो गए, आज अमृतपाल सिंह भी गिरफ्तार हो गया, और जो जो लोग जो देश की अमन शांति या फिर कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, हम किसी बेकसूर को तंग नहीं करेंगे। इस दे नाल ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब विच शांति बनाए रखने की अपील की थी। मान मुताबक पंजाब दे नौजवानों नू नफरत अते हथियारों तो दूर करने दे उपराले किए जा रहे ने। मुख्यमंत्री ने पंजाब दी भाईचारक सांझ नू टुटन ना देन दी पंजाब दे लोकां दा धन्नवाद भी कीता। मैं 3.5 करोड़ पंजाबियों का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि इन 35 दिनों में उन्होंने अमन शांति आपसी भाईचारे को बना के रखा, सोशल बॉन्डिंग जो है पंजाब की उसमें कोई त्रेड़ नहीं आने दी और ना ही आने दी जाएगी। अमृतपाल सिंह नू NSA दे तहत गिरफ्तार करके असम दी डिब्रूगढ़ जेल विच भेज दिता गया, जिथे अमृतपाल दे 9 साथी पहला तो ही बंद हैं। अमृतपाल दी गिरफ्तारी तो बाद पंजाब च शांति दा माहौल वेखण नू मिलिया। भाईचारक सांझ नू किसी भी तरह दे नाल तोड़िया नहीं गया। पंजाब विच किसी भी पासियों गड़बड़ होने की कोई खबर सामने नहीं आई। अज अमृतपाल नू जिहड़ा बड़े शांतमई तरीके दे नाल फड़िया गया, हालांकि उन्होंने फिर गुरुद्वारा साहब के अंदर गुरु ग्रंथ साहब की ढाल लैण की कोशिश की, फिर उन्होंने सोचा होगा कि इतने आके पुलिस जिहड़ी आ
कोई गलत काम होगा तो मैं फिर दोबारा जाके लोगों की हमदर्दी प्राप्त करूंगा। पंजाब च अमन शांति के माहौल नूं बरकरार रखदिया होया जिस तरीके दे नाल अमृतपाल सिंह नूं गिरफ्तार किया गया वह पंजाब सरकार लई शलाघायोग है अते सरकार वल्लों यह दावा किया गया कि जनता ने उन्हां ते जो भरोसा जताया है सरकार उस नूं टुट्टन नहीं देवेगी। जो भी व्यक्ति पंजाब नूं वंडन की गल करेगा अते पंजाब दा माहौल खराब करन की कोशिश करेगा पंजाब सरकार चुप नहीं बैठेगी अते उस दे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी अते पंजाब नूं किसी भी सूरत च वंडन नहीं दिता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, Z Media।